बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन कीमा लिया है और इसमें मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 6 हरी मिर्चें ली हैं और इसे बारीक काट लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके इसमें डाल दिया है। और यह सब चीज़ें मिक्स करके हम इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अब यह सब कुछ अच्छी तरह से चॉप हो गया है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। इसमें मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ, 2 चम्मच क्रीम के मैंने इसमें शामिल किए हैं और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। 1/2 कप मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। अब ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, थोड़ा ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद अब मैं इसका एक कबाब बना रही हूँ। इस तरह से आपने भी इसे गोल शेप देनी है कबाब बनाने के लिए और इसी तरह से हम बाकी के कबाब्स भी बना लेंगे। एक एक करके हमने तमाम कबाब तैयार कर लेना है। ये देख लें कितनी प्यारी और खूबसूरत और फाइन शेप इसकी तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने ये तमाम कबाब्स तैयार कर लिए और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। कबाब्स फ्राई करने के लिए मैं पैन में ऑयल डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया और इसे गर्म करने के बाद मैं इसमें कबाब्स डाल रही हूँ। कबाब को ऑयल में डालने से पहले मैं इसमें टमाटर के पीसेस रख रही हूँ। ये टमाटर लेकर मैंने इसके छोटे छोटे से स्लाइसेस कर लिए थे और इसे मैं सेंटर में बिल्कुल इसके लगाने के बाद इसे ऑयल में डाल रही हूँ। ऑयल में डाल लिया मैंने। अब इसे मैं लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए रख दूंगी ताकि इसका चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। एक साइड से थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। कबाब चिकन के बना रही हूँ तो चिकन को गलने में कुछ टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी यह सॉफ्ट हो जाता है और वैसे भी हमने चिकन का कीमा बना लिया तो वो तो और भी जल्दी टेंडर हो जाता है। लेकिन अगर आप बीफ या मटन के चपली कबाब बना रहे हैं तो इसे फ्राई में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ उसको फ्राई के लिए ज्यादा टाइम चाहिए लेकिन सारा प्रोसेस उसका भी सेम यही होगा। इसी तरह से हम अपने बाकी के कबाब्स भी फ्राई करेंगे। ऐसे ही सेंटर में हमने इसके टोमेटो स्लाइस रख दिए और इसी तरह से एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब आप ऑयल में डालेंगे कबाब तो इसे फ़ौरन से हम चेंज नहीं करेंगे। इसे एक साइड से थोड़ी देर के लिए गोल्डन होने देंगे ताकि एक साइड अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो गया और ये हमारा कबाब ये भी तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो कबाब्स को फ्रीज भी करके रख सकते हैं। फ्रीज करने के लिए आपने यही सारे प्रोसेस करने हैं लेकिन ये आपने सिर्फ फ्राई करने से पहले इसे फ्रीज कर लेना है। जब आप चाहेंगे तो आप निकालें और आप फ्राई करें। चपली कबाब बनाना बहुत ही सादा और नहायत आसान तरीके से आप ये कबाब तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत ही जल्दी और मिनटों में ये कबाब तैयार हो जाते हैं। अब आप देखें इसका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। और अब हम कबाब्स के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 4 से 6 हरी मिर्चें ली हैं और इसे बारीक बारीक काट लिया। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है और 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून ही नमक। और सबसे लास्ट पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अब यह सब चीज़ें अच्छी तरह ब्लेंड हो गई हैं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही हमारी मज़ेदार ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। आप इस ग्रीन चटनी के साथ रायता भी तैयार कर सकते हैं। और अब कबाब और चटनी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं।
और मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।